दोस्तों अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं और या आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए क्या है ना कि इन तीनों एग्जाम में बिहार से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है और अगर इसकी तैयारी करनी है तो एकदम क्रम बाई क्रम और हर टॉपिक को कवर करना होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस को कैसे पूरा करें, कौन से टॉपिक को पढ़ें और कितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बेसिकली हम बात करेंगे बीपीएससी के लिए, तो यहाँ पे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान लेते हैं बिहार जीके को अगर देखा जाए, इसको तीन पार्टों में खासकर बांट दीजिए। पहले तो आपका आता है ज्योग्राफी, और आपने देखा होगा अभी हाल ही में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि बिहार की नदियां, बिहार की झील, बिहार के अभ्यारण्य, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री की भी आगे बात करेंगे, उसके बाद पॉलिटी, और फिर उसके बाद एक आता है तीसरे नंबर पे बिहार करेंट अफेयर, और सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला करेंट अफेयर ही है ना। अब बात करते हैं कि अगर बीपीएससी को अगर देखते हैं तो बीपीएससी आपका क्रैक करने के लिए आपको बिहार जीके पक्का कंप्लीट करना होगा। अगर इसमें अगर कमी करते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाइएगा, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में पढ़ाया हुआ है, तो बिहार जीके को कवर कर आपने देखा होगा कि जो पिछले बार पढ़ाए थे 69 में, लगभग लगभग आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बिहार जीके का लड़ गया था, बस एक दो क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें करीब करीब कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखा जाए मोटा मोटी तो 20 से लेकर 30 क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचिए कि लगभग आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन में अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन कर लिया, यहां से कर लिया, कवर कर लिया, तो आप सोचिए एकदम आराम से सफलता हासिल कर लेंगे। एक चीज और भी याद रखिएगा, 17वां बीपीएससी में बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाला है, लगभग अराउंड 1500 तक भी जा सकता है, और इतनी बड़ी बड़ी जो वैकेंसी आ रही है इसको छोड़ना या आपके हाथ से निकल जाना ये बहुत बेकार हो जाएगा आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, क्योंकि ये असली मौका है, ये सही मौका है कि एकदम जान लगा दीजिए और ऐसी तैयारी कीजिए जिससे आप कहीं भी क्यों और क्या कैसे या नहीं हुआ, बस इतना करना चाहिए था, ये कर लेते तो ये हो जाता, ये अब नहीं होना चाहिए, ये समय बहुत क्रिटिकल है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार जीके को कवर करना है और जरूरी कवर है, जरूरी करना है, क्योंकि तभी आपका रिजल्ट आएगा भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो अभी एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैं, और बहुत कम पैसे में आया है और ये ऑफर बहुत कम समय के लिए है। तो पहले बात करते हैं कि उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, आपने देखा होगा ज्योग्राफी से इसमें आता है बिहार का समान परिचय, और समान परिचय में लगभग बहुत कुछ कवर कर लेते हैं, जैसे कि उसके पड़ोसी राज्य, पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, साथ में आपके कितने प्रखंड हैं या कितने आपका प्रमंडल हैं, ये सारे चीज आते हैं, राजकीय भाषा, ये बहुत कुछ उसमें आपको जानने को मिलता है। उसके बाद एक आता है भौतिक विभाजन, तो भौतिक विभाजन से अभी हाल ही में ये एग्जाम में आया था, भौतिक विभाजन से। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें एक अपवाह तंत्र जो होते हैं, यानी नदी, और नदी में आपका सब कुछ आ जाएगा, अपवाह तंत्र में आपका जलप्रपात आ जाएगा, गर्म कुंड आ जाएगा, झील आ जाएगा, साथ में सिंचाई भी आ जाएगा, तो इसमें बहुत ये लेसन भी बहुत खतरनाक है। साथ में जलवायु अगर देखते हैं तो देखिए, एक भारत का पढ़ते हैं हम लोग और एक बिहार का पढ़ते हैं, तो आप ये मत समझिए अगर भारत का जानते हैं तो बिहार भी आसान है, ऐसा नहीं है। अगर आप कहें जलवायु और मिट्टी की बात करें, तो मिट्टी में आपने देखा होगा कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी पढ़ लेते हैं तो लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे अलग अलग मिट्टी है, जैसे कि केवाल है, बलथर है, अब कहिएगा कि ले भी ले यही, तो बलथर उधर सुनने ही नहीं है, तो राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा अलग हो जाता है, क्षेत्रीय स्तर पे थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक। उसके बाद करें अगर हम आगे, इसमें फिर एक आपका वन्य जीव भी, यानी वन्य जीव से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, यानी वन्य कर लेते जीव, और आपका वन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इन चीज़ों को आपको देखना जरूरी होगा, और परिवहन हो गया, ये सब भी आपको देखना है, तो हम लोग इसमें कवर करेंगे। अगर हम बात करें इतिहास से रिलेटेड, सॉरी, तो अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं कि बिहार का इतिहास। अब देखिए, इतिहास तो एक ऐसा है कि आपको पता होगा कि इससे लगभग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आप कहिएगा सर राष्ट्रीय स्तर वाला पढ़ ले तो काम चल जाएगा क्या, तो राष्ट्रीय स्तर तो पढ़िएगा तो आपको नेचुरल है कि बिहार संपर्क करता ही करता है। जैसे कैसे, अगर हम बात करें अगर कि आपने धर्म देखा होगा तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा रहता है, और चूंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है बिहार से रिलेटेड है। फिर आपने देखा होगा मगध का उत्कृष्ट, जैसे कि हर्यक वंश और नंद वंश तक आप जैसे ले जाइए, शिशु वंश और
मतलब बहुत सारे जितने भी वंश हैं लगभग बिहार से रिलेटेड है। उसके बाद सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ लिया है उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि अगर बिहार लेवल पर आप पढ़ते हैं ना तब आपको बहुत अलग चीज मिलेगा। कैसे अलग मिलता है कि देखिए क्षेत्रीय स्तर पर जो राजवंश का विकास हुआ है वो पढ़ना बहुत जरूरी है और वही याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से जब क्वेश्चन आते हैं ना तो 100 में से लगभग 10% ही लोग कर पाते हैं, बाकी 90% नहीं कर पाते हैं। उसके बाद करेंगे कि इतिहास में सबसे ज्यादा कौन सा खतरनाक है, तो आधुनिक भारत का इतिहास। अब आपको राष्ट्रीय स्तर पे तो आधुनिक भारत आपने पढ़ा ही होगा, स्पेक्ट्रम ले सकते हैं वो ले लीजिएगा, नहीं तो उसके लिए भी बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे, या इसका बहुत सारे वीडियो मैंने डाला हुआ है आप उसको लाइन बाई लाइन देख सकते हैं। तो अगर आप आधुनिक भारत का पढ़ते हैं तो आप कहिए चलिए सर मैंने तो पढ़ लिया है अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, बिहार जब आप पढ़ते हैं तो उसमें होम रूल, और बिहार में क्या हुआ 1857, बिहार में क्या हुआ मुजफ्फरपुर कांड, तो बिहार की क्या क्या स्थिति थी, बहुत सारे संस्था बने हैं, बहुत सारे संस्थापक ये पुस्तक लिखे गए हैं, किसान आंदोलन, जनजाति विद्रोह, ये बहुत कुछ आपको बिहार में अलग से पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो किस जिले में किस व्यक्ति की भूमिका अधिक थी, आपने देखा होगा कि बटुक मियाँ का भी क्वेश्चन आया था, तो ये सब क्षेत्रीय स्तर पे आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ने को मिलता है। इसीलिए बिहार बहुत खास है और बिहार को कवर करना बहुत जरूरी है, समझे। उसके बाद अब पोल्टी की बात करें, पोल्टी में आपको पंचायती राज से क्वेश्चन आ ही जाता है, तो पंचायती राज, विधानसभा, राज्यपाल की भूमिका, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद बिहार का बजट, ये सब भी आपको पढ़ाना पढ़ाएंगे। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं कि क्या मैं जो कोर्स लेकर आ रहा हूं आपने यहां देख लिया होगा, 299 रुपए, 299 में आपको लाइव क्लास मिलने वाला है, रात को 9 बजे मिलेगा, 31 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो 299 जो ऑफर है ना वो अभी बस कुछ ही समय के लिए है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको समय समय पर गाइड मिले, लाइव क्लासेस मिले, और आपको पीडीएफ मिले, नोट्स मिले, क्वेश्चन मिले, वो सारा कुछ आपको मिलेगा इस क्लास में, कितने में, मात्र 299 में। तो जल्दी जल्दी इसका इनरोल कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप आराम से परचेज कर सकते हैं, और 31 तारीख से रात को 9 बजे मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। और आपको क्या करना है, ये ऐप है जो यहाँ पे देख लीजिएगा, स्टडी लॉजी, ये लोगो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला स्टडी लॉजी, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ना और भी ऐसे टीचर हैं जो बायजूस कंपनी में पढ़ाते थे या बहुत सारे आपने देखा होगा, तो जो हाई लेवल के जो टीचर हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपसे जुड़ूं और बिहार स्पेशल को लेकर जुड़ूं, जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और आप जानते भी हैं कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो मैं मिलूंगा 31 सितंबर से लाइव, और रात को 9 बजे, ठीक ना, रात को 9 बजे। आपको पता भी कि रात को इसलिए लेता हूँ मैं कि दिन में मेरा ऑफलाइन कोचिंग रहता है, तो ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा क्लास रहता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा दिन में क्लास नहीं ले पाते, इसलिए रात को क्लास लेंगे। तो इसमें जुड़ लीजिए, जुड़ जाइएगा। तो अभी जो लग रहा है मात्र 299 रुपये, और इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, बता ही दिया कि PDF और क्वेश्चन मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर इस कोर्स में, और जल्दी जल्दी इस लिंक को क्लिक कीजिए, नहीं तो फिर बाद में कहिए असर जी दाम बढ़ गया तो बस ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं, मतलब जब समय है तो जल्दी जल्दी आप परचेज कर लीजिए, ठीक ना। और मेरा गाइडेंस आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा, आपको जो भी समस्या होगी उस सारी समस्याओं से संबंधित आप फिर बात डिस्कस जरूर चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम तक आप मेरे से जरूर जुड़े रहें, जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं जय हिंद।